जय माई की। नमस्कार, मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी व अंक शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेस टीवी पर बुध के गोचर फल के साथ, जिसमें हम जानेंगे कि 7 जून 2023 से 24 जून 2023 तक वृषभ राशि में गोचर करने वाले बुध आपके लिए कैसे परिणाम देंगे। तर्क बुद्धिवाणी व्यापार व्यवसाय तथा गणित के कारक बुध ग्रह 7 जून 2023 को मेष राशि से वृष राशि में प्रवेश करने वाले हैं। तात्कालिक और नैसर्गिक दोनों तरह की मित्रता के अनुसार बुध की अति मित्र की राशि हुई है। ऐसी स्थिति में बुध आपकी राशि के लिए कैसे परिणाम देंगे, आइए जानते हैं। और सबसे पहले चर्चा करते हैं कि बुध का वृष राशि में गोचर मेष राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम देगा। मेष राशि वालों, बुध आपकी कुंडली में तीसरे और छठे भाव के स्वामी होते हैं और ये आपके दूसरे भाव में गोचर करने जा रहे हैं। बुध का दूसरे भाव में गोचर सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम देने वाला कहा गया है। ऐसे में इस अवधि में बुध यथा सामर्थ्य आपको आर्थिक लाभ पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हालांकि इस लाभ के पीछे आपका पुरुषार्थ भी काम करेगा। यह समय अवधि नौकरी पेशा लोगों के इंक्रीमेंट में मददगार हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए बुध का यह गोचर काफी अच्छे परिणाम दे सकता है। ऐसे लोग जिनका काम बोलने का है, उन्हें भी बुध के इस गोचर के चलते अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। रुचिकर भोजन का लाभ भी बुध ग्रह का गोचर करवा सकता है। यह गोचर संबंधियों के साथ संबंधों को और प्रगाढ़ करने में आपकी मदद कर सकता है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में मांस मदिरा व अंडे का त्याग करना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि बुध का वृष राशि में गोचर वृष राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम देने का काम कर सकता है। वृषभ राशि वालों, बुध आपकी कुंडली में दूसरे और पांचवें भाव के स्वामी हैं और ये फिलहाल आपके पहले भाव में गोचर करने जा रहे हैं। पहले भाव में बुध के गोचर को अच्छे परिणाम देने वाला नहीं कहा गया है। ऐसे बुध के बारे में कहा जाता है कि बुध आपकी वाणी में अप्रियता दे सकते हैं। इस समय अवधि में चुगली इत्यादि से बचने की सलाह ज्योतिषीय ग्रंथ देते हैं। इस गोचर को धन हानि करवाने वाला भी कहा गया है तथा संबंधियों के साथ संबंधों को कमजोर करने वाला भी कहा गया है। हालांकि आपके मामले में शायद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वह आपके पंचम भाव यानी कि प्रियजन के भाव का स्वामी होकर आपके पहले भाव में जा रहा है, अतः प्रियजनों के साथ संबंध और प्रगाढ़ करने में शायद मदद कर जाए और ये चीजें आपका फेवर करें। साथ ही साथ धन भाव का स्वामी लग्न से संबंध बना रहा है, तो ऐसी स्थिति में कोशिश करने पर आर्थिक नुकसान भी नहीं होगा। यानी कि सामान्य तौर पर इस गोचर के बारे में ज्योतिषीय ग्रंथ अच्छा नहीं कहते हैं, लेकिन आप समझदारी दिखाकर अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे, हम ऐसी उम्मीद कर रहे हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना, नियमित रूप से पाठ करना शुभ रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि बुध का वृष राशि में गोचर मिथुन राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम दे सकता है। मिथुन राशि वालों, आपकी कुंडली में ये आपके राशि स्वामी होने के साथ साथ बुध चौथे भाव के भी स्वामी होते हैं और गोचर में ये आपके द्वादश भाव में जा रहे हैं। द्वादश भाव में बुध के गोचर को अच्छा नहीं कहा गया है, भले ही आपके लग्न क्षेत्र क्या हुआ। ऐसे गोचर के बारे में कहा गया कि ये गोचर खर्चे करवाता है, स्थान हानि करवाता है, स्त्री को कष्ट देता है। तो विशेषकर यदि आप विवाहित हैं तो जीवन साथी या जीवन संगिनी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना जरूरी रहेगा। वहीं अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना होगा, क्योंकि राशि स्वामी द्वादश में जा रहा है। बुध का यह गोचर कुछ हद तक चिंताएं भी देता है, पढ़ाई लिखाई में बाधा पहुंचाता है। हालांकि इस बात से मैं काफ़ी हद तक सहमत हूं, क्योंकि आपका राशि स्वामी होकर बुध चतुर्थ भाव का स्वामी होकर बुध द्वादश में जा रहा है तो स्वाभाविक है कि कुछ न कुछ नुकसान तो करेगा। लेकिन यदि आपका संबंध विदेश से है अथवा आप विदेश में रहकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो आपको अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में माथे पर नियमित रूप से केसर का तिलक लगाना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि बुध का वृष राशि में गोचर कर्क राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम दे सकता है। कर्क राशि वाले, बुध आपकी कुंडली में तीसरे और द्वादश भाव के स्वामी होते हैं और ये गोचर में आपके लाभ भाव में जा रहे हैं। सामान्य तौर पर बुध के गोचर को लाभ भाव में अच्छे परिणाम देने वाला कहा गया है, अतः आपको भी बुध का यह गोचर लाभ करवा सकता है, क्योंकि द्वादश भाव का स्वामी लाभ भाव में जा रहा है, अतः कुछ विषम परिस्थितियों में भी लाभ मिल सकते हैं। आर्थिक लाभ के अलावा बुध का यह गोचर पद प्रतिष्ठा दिलवाने का काम भी कर सकता है। संतान से संबंधित मामला हो या फिर वैवाहिक मामलों की बात हो, इन सभी मामलों में बुध का गोचर आपका फेवर कर सकता है। पद प्रतिष्ठा के साथ साथ सामाजिक दायरे में वृद्धि करवाने का काम भी बुध का यह गोचर कर सकता है। यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापारिक लाभ भी मिल सकता है। वाहन सुख भोग विलास आदि के मामले में भी बुध का यह गोचर अच्छे परिणाम दे सकता है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में गाय को हरा चारा खिलाना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि बुध का वृष राशि में गोचर सिंह राशि के लोगों के लिए कैसे परिणाम दे सकता है। सिंह राशि वालों, बुध आपकी कुंडली में धन भाव के स्वामी होने के साथ साथ लाभ भाव के भी स्वामी हैं और गोचर में ये आपके दशम भाव में जा रहे हैं। सामान्य तौर पर बुध के गोचर को दशम भाव में अच्छे परिणाम देने वाला कहा गया है। ऊपर से बुध 15 जून तक आपके राशि स्वामी सूर्य के साथ युति भी करेंगे, फलस्वरूप
आपको काफी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। इस अवधि में पद प्रतिष्ठा का भी लाभ मिल सकता है। आप अपने विरोधियों से बेहतर करते हुए देखे जाएंगे। व्यापार व्यवसाय में अच्छा लाभ कमा सकते हैं। इतना ही नहीं, सामाजिक मामलों में भी आपको अच्छे परिणाम बुध के इस गोचर के चलते मिल सकते हैं। सारांश यह कि बुध का वृष राशि में गोचर सिंह राशि वाले लोगों को काफी अच्छे परिणाम दे सकता है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में मंदिर में दूध और चावल का दान करना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि बुध का वृष राशि में गोचर कन्या राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। कन्या राशि वालों, बुध आपकी कुंडली में राशि स्वामी होने के साथ साथ आपके कर्म भाव के भी स्वामी हैं और ये गोचर में आपके भाग्य भाव में जा रहे हैं। भाग्य भाव यानी कि नवम भाव, और नवम भाव में बुध के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता। सबसे पहले हम यही जानते हैं कि गोचर शास्त्र नवम भाव में बुध के गोचर के बारे में क्या कहते हैं। इस गोचर के बारे में कहा गया कि नवम भाव में बुध का गोचर भाग्य हानि करवाता है, विघ्न देता है, आर्थिक मामलों में दिक्कतें देता है तथा मान हानि भी करवाता है। लेकिन आपके मामले में मैं इन परिणामों में कुछ संशोधन करना चाहूंगा। राशि स्वामी का भाग्य स्थान पर जाना अच्छा है, भले ही बुध का नवम भाव में जाना अच्छा ना हो, लेकिन राशि स्वामी का जाना अच्छा है। यहाँ पर बुध आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। इन कारणों से इस अवधि में दूर की यात्राएं संभावित है। उन यात्राओं में मेहनत के अनुरूप लाभ भी मिल सकता है। इस अवधि में आवेश में आकर नौकरी छोड़ना उचित नहीं रहेगा, यानी कि कुछ सावधानियों को रखने की स्थिति में बुध से आप अच्छे परिणामों की उम्मीद रख सकते हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में मिट्टी के बर्तन में मशरूम भरकर मंदिर में दान करना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि बुध का वृष राशि में गोचर तुला राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम दे सकता है। तुला राशि वालों, बुध आपकी कुंडली में भाग्य स्थान के स्वामी होने के साथ साथ द्वादश स्थान के भी स्वामी हैं और गोचर में ये आपके आठवें भाव में जा रहे हैं। वैसे तो ज्यादातर ग्रहों के गोचर को आठवें भाव में अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन बुध आठवें भाव में अच्छे परिणाम भी देते हैं, ऐसा गोचर शास्त्र कहते हैं। क्योंकि इस गोचर के बारे में कहा गया है कि ऐसा गोचर आकस्मिक धन प्राप्ति करवाता है, कामों में सफलता दिलाता है। बुध का यह गोचर विजय दिलाने में भी मदद करता है तथा सामाजिक स्थिति में भी मजबूती देता है। आपके साथ भी इस तरह के घटनाक्रम संभावित हैं। ऊपर से बुध द्वादश भाव का स्वामी होकर आठवें भाव में जा रहा है, जो अप्रत्याशित रूप से कुछ यात्राएं भी करवा सकता है और यात्राओं के माध्यम से धन लाभ भी करवा सकता है। हालांकि इन सबके बावजूद भी आपको नौकरी में किसी भी प्रकार का रिस्क इस टाइम ड्यूरेशन में, इस समय अवधि में नहीं लेना है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में किन्नरों को हरे कपड़ों का दान करना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि बुध का वृष राशि में गोचर वृश्चिक राशि के लिए कैसे परिणाम दे सकता है। वृश्चिक राशि वालों, बुध आपकी कुंडली में आठवें और लाभ भाव के स्वामी होते हैं और ये गोचर में आपके सातवें भाव में जा रहे हैं। इस भाव में बुध के गोचर को अच्छा नहीं कहा गया है। आपके आठवें भाव के स्वामी का सातवें भाव में आना भी अच्छा नहीं है। स्वाभाविक है कि बुध के गोचर के चलते जीवन साथी या जीवन संगिनी से कुछ विवाद संभावित है। बेहतर होगा इस समय छोटी मोटी बातों पर बहुत ज्यादा नोकझोंक ना करें। अगर बात करने से ही विवाद हो रहा है तो इस समय कम से कम बात करें, स्वास्थ्य का ख्याल रखें, साथ ही साथ शासन प्रशासन से जुड़े व्यक्तियों के साथ संबंध खराब नहीं करने हैं। उनके साथ बातचीत करते समय विनम्रता और सम्मान का भाव जरूर रखें। व्यापार व्यवसाय में किसी भी तरीके का रिस्क लेना ठीक नहीं रहेगा। ऐसा करने की स्थिति में आपको कोई बड़ा नुकसान नहीं हो पाएगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में गणेश चालीसा का नियमित रूप से पाठ करना शुभ रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि बुध का वृष राशि में गोचर धनु राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम दे सकता है। धनुराशि वालों, बुध आपकी कुंडली में सातवें और दसवें भाव के स्वामी हैं तथा गोचर में ये आपके छठे भाव में जा रहे हैं। सामान्य तौर पर बुध के इस गोचर को अच्छा कहा गया है, अनुकूल परिणाम देने वाला कहा गया है। बुध का यह गोचर आर्थिक मामलों में आपके लिए अच्छे परिणाम दे सकता है। स्वास्थ्य भी सामान्य तौर पर अच्छा रखने में बुध मदद करेगा। यदि किसी कारण से स्वास्थ्य कमजोर भी हो जाए तो उसकी उचित चिकित्सा जल्द से जल्द उपलब्ध कराने में बुध आपके लिए मददगार हो सकता है। आप अपने प्रतिद्वंदियों से बेहतर युक्ति लगाते हुए कामों में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। मान सम्मान और सामाजिक दृष्टिकोण से भी यह गोचर अच्छे परिणाम देने वाला कहा जाएगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में कन्याओं का पूजन कर उनका आशीर्वाद लेना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि बुध का वृष राशि में गोचर मकर राशि के लिए कैसे परिणाम दे सकता है। मकर राशि वालों, बुध आपकी कुंडली में छठे और नवम भाव के स्वामी हैं तथा गोचर में बुध आपके पंचम भाव में जा रहे हैं। पांचवें भाव में बुध के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता। ऊपर से छठे भाव का स्वामी जब पांचवें भाव में जाता है तो व्यक्ति की बुद्धि में शरारत खुराफात के लक्षण देखने को मिलते हैं। ऐसी स्थिति में आपको जानबूझकर कोई रिस्क नहीं लेना है और जानबूझकर किसी से विवाद नहीं करना है, अन्यथा मानसिक अशांति रह सकती है। बुध का गोचर संतान से संबंधित मामलों में कुछ कष्ट दे सकता है। यदि आप मन के भटकाव और बुद्धि की शरारत पर नियंत्रण पाकर अच्छी योजनाएं बनाएंगे तो उसमें सफलता भी मिल सकती है, अन्यथा गलत योजनाएं असफलता देने का काम कर सकती हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में गाय की सेवा करना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि बुध का वृष राशि में गोचर कुंभ राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम दे सकता
है। कुंभ राशि वालों, बुध आपकी कुंडली में तीसरे और आठवें भाव के स्वामी होते हैं और गोचर में यह आपके चौथे भाव में जा रहे हैं। चौथे भाव में बुध के गोचर को अच्छा माना गया है। ऐसे बुध के बारे में कहा जाता है कि बुध माता को सुखी रखता है तथा माता से संबंधित मामलों में आप प्रसन्न भी रह सकते हैं। जमीन जायदाद से संबंधित मामलों में अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। यदि दशाएं अनुकूल हों और आप कोशिश भी कर रहे हों तो बुध का यह गोचर जमीन जायदाद खरीदवाने में भी आपकी मदद कर सकता है। घरेलू सुख शांति के लिए बुध के गोचर को अच्छा कहा गया है। बुध के इस गोचर के चलते बड़े लोगों से मित्रवत संबंध डेवलप हो सकते हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में चिड़ियों को पीने का पानी तथा चुगने के लिए दाने की व्यवस्था करना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि बुध का वृष राशि में गोचर मीन राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम दे सकता है। मीन राशि वालों, बुध आपकी कुंडली में चौथे और सातवें भाव के स्वामी होते हैं तथा गोचर में बुध आपके तीसरे भाव में जा रहे हैं। तीसरे भाव में बुध के गोचर को अच्छा नहीं कहा गया है। शायद इसके पीछे कारण यही रहा होगा कि इस अवस्था में बुद्धि ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, यानी कि जरूरत से ज़्यादा एक्टिव हो जाती है और जरूरत से ज़्यादा कोई भी काम हो जाए तो वह उचित नहीं रहता। यही कारण है कि इस गोचर को भाई बंधुओं से विवाद करवाने वाला कहा गया है और धन हानि करवाने वाला भी कहा गया है। लेकिन यदि आप अपनी बुद्धि का सदुपयोग करेंगे और भाई बंधु तथा मित्रों के साथ शालीनतापूर्वक अपनत्व के साथ बात करेंगे तो आपको इन नकारात्मक परिणामों का सामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आपकी आदत के चलते अपनत्व वाली आदत के चलते कुछ नए मित्र भी आपको मिल सकते हैं, नए मित्र भी बन सकते हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में गरीब अस्थमा रोगी को या रोगियों को दवा खरीदने की व्यवस्था करवाना, यानी दवा खरीद करके देना शुभ रहेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि बुध के इस गोचर के परिणामों को पहले से जानकर आप एक बेहतरीन योजना बनाएंगे और बुध के गोचर का न केवल लाभ ले सकेंगे बल्कि इससे होने वाले नुकसान को भी योजनाबद्ध तरीके से दूर कर सकेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा यह प्रयास आपके जीवन में बेहतरी लाने का काम करेगा। भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.